ठीक है, कल ईद उल अजहा का त्यौहार है, तो कप्तान साहब और उनके साथ के लोग, पूरी फोर्स और हमारे ऑफिसर्स भी सब मूवमेंट कर रहे हैं बाजारों में, और जहां पर कल नमाज होगी या कुर्बानी के जो स्थल हैं उन सब का निरीक्षण और वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है। अभी हम लोग इसमें शहर में फुट पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं कप्तान साहब के साथ में, खासतौर से ये भी देख रहे हैं कि सफाई की क्या व्यवस्था है, और जो रोड पर इंक्रोचमेंट दिखाई दे रहा है उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि हम एक इंक्रोचमेंट का कार्यक्रम जल्दी ही एंटी इंक्रोचमेंट चलाने वाले हैं, तो उनको हिदायत भी कर रहे हैं कि सड़क इंक्रोच ना करें। कल के ईद उल अजहा के त्यौहार के लिहाज से हम लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। घटना मिलती है तो किस तरह से होगा, क्या प्रोसेस होगा? देखिए, कल के त्यौहार के लिए और उसके बाद 15 अगस्त रक्षाबंधन का है और उसके बाद जन्माष्टमी का, तो कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किया गया है, कोई सूचना अगर मिलती है किसी माध्यम से तो तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे हमारे पुलिस के लोग और हमारे प्रशासन के लोग। अलावा इसके बिजली का, सफाई का और पानी का, इनके बारे में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, कोई सूचना मिलती है तो तत्काल कार्रवाई उसके लिए व्यवस्था की जाए।